Dragon Ball Z. इस दुनिया के दुश्मनों से कह दो जाके अभी, हमसे उलझोगे तो बच ना पाओगे कभी। ड्रैगन जो भी हमसे पंगा लेना चाहेगा कभी, उसकी तो बस एक पल में हम कर देंगे खुशी। ड्रैगन बॉल सी, ड्रैगन। हाय दोस्तों, सॉरी मुझे देर हो गई। गोहान, भला ये किस तरह की ड्रेस है? मेरी मॉम ने कहा मुझे तैयारी में आना चाहिए। तैयारी में आना चाहिए, ये तुम क्या कह रहे हो? इसमें तो तुम लंच बॉक्स लग रहे हो। गोहान, तुम्हारा बैग तो वाकई बड़ा है, इसमें आखिर भरा क्या है तुमने? वेल, मॉम ने बहुत सारी चीजें भर के दी है। जैसे कि स्कूल की मेरी किताबें जो मुझे पढ़नी है, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज। ओ, और इससे मैं नींद में भी स्मार्ट लगूंगा। देखते हैं और क्या क्या है। डेस्क लैम्प, खाने की चीजें, टॉर्च, हिट स्प्रे, शैम्पू, फैन, कुछ थैलियां दी है, कुछ कटोरियां, कुछ चम्मच, मेरा नाइट लाइट, पीडीए, चटाई, चॉपस्टिक्स, विटामिन, टॉयलेट पेपर, एस्पिरिन, मेरे बैंडेजेस, मेरा पॉकेट सैंडविच मेकर।
मुझे यकीन नहीं होता, सारा जंगल राख हो गया। बेचारे जानवरों के रहने की जगह बर्बाद हो गई। हमारी भी। काश हम इनकी कुछ मदद कर सकते। बेचारा ड्रैगन। हद हो गई। हे बुलमा, क्यों ना हम इटर्नल ड्रैगन को बुलाएं? हाँ? तुम वरदान मांगना चाहते हो? हाँ, ओके। वाव। चलो, उम्मीद करते हैं सब ठीक हो जाए। हाँ, अब हम नन्हे ड्रैगन की मदद कर सकते हैं। की कमी है, खतरे के कोई संकेत नहीं मिले हैं।
सारी जानकारी मेन शिप को दी जा रही है। प्लैनेट धरती की पोजीशन लेवल 2 कुदरती खजानों से भरपूर, इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है या इस पर कब्जा किया जा सकता है। शक्ति के पेड़ के लिए प्लैनेट धरती से अच्छी और कोई जगह नहीं। वहाँ पर सभी चीजों में जिंदगी है। लगता है कैकरोट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। हो सकता है वो तभी खत्म हो गया जब वो बच्चा था। बकवास, वो एक सेयन है। सेयन्स कभी खत्म नहीं होते। ये पावर रीडिंग देखो, हमारा कैकरोट धरती पर ही है लेकिन हम नहीं जानते वो कहाँ है। गोकू, गोहन के लिए पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है? मैं नहीं चाहती कि इसकी कोमल त्वचा जल जाए। हे गोहन, ठीक है चीची। हे डैड, मुझे पकड़ कर दिखाइए। ये दोनों हमेशा शरारत करते रहते हैं। प्यार से पेश आओ चीची। तुम चुप रहो गोकू, ये सब तुम्हारा ही कसूर है। अब अगला जानवर कौन सा होगा? हाथी होगा हमारे बाथरूम में। वादा करता हूँ शरारत नहीं करूँगा। ये हुई ना बात, ये है हमारा नन्हा स्कॉलर। इकरिस मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गया, मैं इसे रख लूँ? सवाल ही नहीं उठता गोहान। तुम्हें इसे इसके घर ले जाना होगा। कोई इसे ढूंढ रहा होगा। मैं मेरे साथ बहस मत करो, इसे घर ले जाओ जल्दी। चलो इकरिस, तुमने सुन लिया ना, मुझे तुम्हें वापस ले जाना होगा। अब चलो, कम ऑन। ऑलराइट दोस्त, मेरी कोई गलती नहीं है इकरिस। आई एम सॉरी मेरे दोस्त। गोहान, जब तक मैं तुम्हारी मॉम को मना नहीं लेता तब तक ये बात हम दोनों के बीच राज रहेगी। ओके। तो जगह कैसी लगी? जगह बहुत अच्छी है। शायद इसे भी बहुत पसंद आई है। नया प्लेन कैसा लगा पोर? मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर इसे खरीदा है। ये बहुत ही अच्छा है। बुलमा को तुम्हारे साथ इसमें घूमना अच्छा लगेगा, बस उसे पिछली बार की तरह इंतजार मत करवाना। वेल, जैसे ही वो मेरे इस नए प्लेन को देखेगी तो मुझे उस गलती के लिए माफ कर देगी। मैं उसके चेहरे की खुशी देखने को बेताब हूँ। और मैं भी। क्या हुआ? किसी अनहोनी का एहसास हो रहा है। सारी शक्तियाँ हासिल हो जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस मकाम तक पहुँच पाते हैं, बहुत कम। मुझे किसी बुरी शक्ति का एहसास हो रहा है, मानो कोई शैतान आ रहा है। इसमें गोकू जैसी शक्ति है लेकिन ये शक्ति ज्यादा खतरनाक है। हो
हमारा पेड़ इसी जगह लगेगा। अब बीज बोने को तैयार हो जाओ। बीज सही जगह पहुंच गया, अब कुछ ही पलों की देर है।
ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारा नया प्लेन नष्ट हो गया यामचा। मैंने तो उसका इंश्योरेंस भी नहीं करवाया था। ओह थैंक यू। वैसे वो काफी महंगा प्लेन था। यार तुम्हें इतना महंगा प्लेन खरीदने की क्या जरूरत थी? लड़कियों का इंप्रेस करना चाहते थे ना? मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। तुम दिखावा करने में माहिर हो। पता नहीं तुम अपने आप को कहाँ का हीरो समझते हो, घमंडी का ही के? बुलमा, लड़कियों को इंप्रेस करने में गलत क्या है? लगता है मर्द कभी नहीं सुधरेंगे। खैर मुझे तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम्हारी वजह से गोहन की पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़ता। सुनो, मैं गोहन की पढ़ाई में उसकी मदद कर सकता हूँ। मुझे इसी बात की तो फिक्र है। गोहन, ये मॉन्स्टर फिर से यहाँ क्या कर रहा है? ओ, ये तो डैड। ओ, मैं समझाता हूँ। ठीक है मिस्टर, जल्दी से बताओ, कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं? लेकिन ये एक अच्छा पेट है। इक्रेस, मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैं तुम्हारी ऊपर बैठूं? गोहन फौरन अंदर आओ, मैं घर चलाती हूँ, कोई चिड़िया घर नहीं। आया, एक रेस में अभी नहीं खेल सकता। जाओ, तुम मुझे मुसीबत में डाल दोगी। चले जाओ। लगता है ये किसी चीज से नाराज है। चलो वो अकेला नाराज नहीं है। गोकू खाना खा रहा है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना काफी मुश्किल है। गोकू! किंकाई, क्या ये आप हैं? गोकू, कोई अजीब सी चीज हो गई है। कोई अजीब सी चीज? एक शैतान पेड़ जिसका नाम शक्तिशाली पेड़ है, उसने तुम्हारे प्लेनेट पर जड़ें पकड़ ली हैं। असल में उसका फल खाने का हक सिर्फ इटर्नल ड्रैगन को है। हमें उस पर फल लगने से रोकना होगा। शक्तिशाली पेड़? ये तो एक नई बात सुनी। लेकिन उसे लेकर हमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है किंकाई? तो इसलिए कोकू, क्योंकि ये शक्तिशाली पेड़ धरती की सारी पौष्टिक चीजों को खा लेगा। इसका नाम मौत का पेड़ है मेरे बेटे। ये मिट्टी खाकर बड़ा होता है और जमीन के अंदर दूर दूर तक इसकी जड़ें पहुंचती हैं और जिंदा रहने के लिए हर चीज खा जाता है। फिर इस पर ऐसा शक्तिशाली फल लगता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो पेड़ बड़े होते होते सब कुछ तबाह कर देता है। क्या है गोकू कि ऐसा शक्तिशाली फल उगाने के लिए ढेर सारी पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये धरती से अपनी जरूरत की सारी चीजें ले लेगा और धरती को सूखने और बंजर रेगिस्तान बनने पर मजबूर कर देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो तुम्हें जाकर उनका मुकाबला करना होगा जिन्होंने ये बीज बोया। मैं जाकर उनका मुकाबला करूंगा। बहुत जल्द ये फल पक जाएगा। हाँ ठीक कहा, टर्लस बहुत खुश होंगे। ऐसा नहीं है कि कैकरोट से लड़ने के लिए टर्लस को और शक्ति चाहिए। वो बेचारा कायर कैकरोट तो धरती को भी नहीं हरा पाया। जैसे ही ये जल हमें मिलेगा, हम सृष्टि में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। और हमारा पहला काम होगा उस कायर कैकरोट को और इस प्लेनेट को खत्म करना। लेकिन उसकी पावर लेवल को देखते हुए लगता है कि कैकरोट बहुत शक्तिशाली योद्धा है। शक्तिशाली योद्धा? सेयन के नाम पर उस कलंक को तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अब हमें बस फल के पकने का इंतजार करना है। ये वक्त है हम सबके साथ होकर मुकाबला करने का। मैं कुछ समझा नहीं, हमें पहले ही देर हो चुकी है क्योंकि उस पेड़ ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। नहीं, हम सब उसे रोकेंगे और उन्हें हराएंगे जिन्होंने ये पेड़ यहाँ लगाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो बोलो, और कौन है? मैं भी। चलो 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 मुकाबला करें। गोहन जरा मुझे बताओ कि ये तुम क्या कर रहे हो? जाने दो ना मॉम। आ,
कितना बड़ा पेड़ है। अगर इसे नष्ट करना है तो हमें इसके तने पर हमला करना चाहिए। रेडी पावर अप। मुझे यकीन नहीं होता, इस पर तो खरोंच तक नहीं आई। चलो गोकू, फिर से कोशिश करते हैं। इससे कुछ नहीं होगा क्रिलिन, इस पेड़ को नष्ट करने के लिए हम आसपास की सारी चीजों को तबाह कर देंगे। अपनी मौत को गले लगाने आए हो। कितने बेवकूफ हो तुम। तुम्हें लगता है कि तुम शक्ति के पेड़ को नष्ट कर सकते हो? इनकी एनर्जी लेवल तो कमाल की है, लेकिन समझ नहीं आता कि ये लोग हैं कौन। तुमने ये पेड़ हमारे प्लैनेट पर लगाया, लेकिन हमसे इजाजत नहीं ली। ओ, बस करो, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारे प्लैनेट की सुंदरता बढ़ गई। मैं समझ गया, वो तुम ही थे जिन्होंने वो धमाका किया था, वही धमाका जिसमें मेरा नया प्लेन राख हो गया। ठीक कहा। ये सब तो बिल्कुल नहीं डर रहे, मुझे ये सब जरा भी ठीक नहीं लग रहा। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अब वो मुझे पसंद नहीं करता। जब वो मेरे पास था तब काश मैंने उसके साथ जी भर कर खेला होता। तुम मुझे छोड़कर नहीं गई क्रिस। तुम्हें तुम्हारे केक की सजा जरूर मिलेगी। ये कौन है? मेरे दोस्तों के साथ पंगा लेने की गलती मत करो बटले। हाय मेरे
मेरी बदनसीबी एक और बच्चा आ गया। इस बच्चे की शक्ति लाजवाब है। तो क्या ये सेयन है? हाँ वही है। अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ जिंदी बच्चे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस बच्चे की शक्ति पर यकीन नहीं होता। कहाँ गया वो? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ये कैकरोट का बेटा है। पता नहीं इकरिस कहाँ गया, उसे यहाँ आसपास होना चाहिए। इकरिस कहाँ हो तुम? ये खेलने का वक्त नहीं है इकरिस। वाह हेलो, तुम शायद कैकरोट के बेटे हो। शायद मैं तुम्हारे डैड जैसा दिखता हूँ। हम दोनों सेयन योद्धा हैं और एक ही मिट्टी से बने हैं। हमारा मकसद है तबाही मचाना। तुम्हारी पावर लेवल 10,000 है। तुम भी एक असली सेयन योद्धा हो। अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो तो हम मिलकर सृष्टि पर राज कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा। मेरे डैड आएंगे। तो आने दो, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। बिल्कुल नहीं। मैं ताकतवर हूँ लड़के। वो क्या है कि तुम्हारे डैड एक सेन है जिन्हें हमने धरती को तबाह करने भेजा था, पर वो कमजोर निकले और नाकाम हो गए। अगर तुम सीखना चाहते हो कि असली योद्धा कैसे बनते हैं तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हर हुनर सिखा दूंगा। कभी नहीं। मुझे लगा था तुम समझदार हो, पर जाहिर है तुमने अपने डैड का दिमाग पाया है। अब लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा अड़ियल मच्छर। ये रहा तुम्हारा पहला सबक। शक्ति का पेड़ धरती को सुखा कर बंजर बना देगा। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं बचा है कैकरोट के बेटे। मेरे साथ आओ और नए प्लैनेट्स पर कब्जा करो। तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये क्या है? इसकी पावर लेवल 18,000 है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि बच्चे को छोड़ दो। ओह अच्छा, वैसे तुम्हारी तारीफ। मिस्टर पिकलो, मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना। मैं तो डर के मारे कांप रहा हूँ। अच्छा कैच था सर। तुम ठीक हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ बच्चे, अपनी सेन विरासत को आगे बढ़ने से मत रोको। तुम इंकार नहीं कर सकते। महसूस करो तुम्हारी रगों में सेन का खून दौड़ रहा है। सेन की पूछ, क्या ख्याल है थोड़ी मस्ती हो जाए? देखता हूं तुम चांद की नकली रोशनी देखकर कैसा बर्ताव करते हो। पूरे चांद को देखकर बदल जाता है। मून ब्लास्ट एक्सप्लोड। ठीक
ठीक है, चांद को देखो, अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर निकालो। नकली चांद को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जहां तक बच्चे का सवाल है तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वो कहते हैं ना, बंदर जो देखता है वही करता है। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। अपने ही बेटे से मार खा रहे हो कैकरोट? तुम योद्धाओं के नाम पर कलंक हो, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे बेटे की देखभाल करूंगा। हमें इसकी दम को काटना होगा। निकलो। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ बेवकूफ। इसे कीड़े की तरह मसल दो। मुझे यकीन नहीं होता, सेयन जाति का सबसे शक्तिशाली योद्धा इस पर्पल डायनासोर के सामने घुटने टेक रहा है। तुमने इस सेयन की परवरिश अच्छी तरह नहीं की। गोहन और मैं सेयन्स नहीं है बेवकूफ, हम धरती के योद्धा हैं। जानता हूँ तुम कायर हो,
बच्चे अपने आसपास की सारी जगह को नीचे ले आओ। अब तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? हाँ, किसी भी सेयन को खोने से दुख होता है, लेकिन लगता है मस्ती के हमारे ये दो चार पल अब खत्म हुए। गोहान, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब तुम्हारी डैड इस खेल को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊंगा। लोगों के लिए एक कलंक हो। मैं कैकरोट नहीं हूँ, मेरा नाम गोकू है। महान टर्लस, इसे हम पर छोड़ दो, हम इसे भी वही सबक सिखाएंगे जो इसके दोस्तों को सिखाया। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि उस बच्चे ने अच्छी कोशिश की थी। लेकिन उन्हें हराना तो हमारे बाएं हाथ का खेल था। असल में बाकी लोग भी ताकतवर थे, पर हमारी ताकत के सामने उनकी ताकत कुछ नहीं थी। तुम्हें मेरे बेटे से उलझना नहीं चाहिए था, तो तुम हमसे उसका बदला क्यों नहीं लेते? ये खेल तुम जैसे कायरों का नहीं है। तुमने मेरे नाखून खराब कर दिए। अब भी वक्त है, तुम हार मान लो। अगर इसी तरह लड़ते रहे तो मुझे तुम्हारी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी। हार मान लूं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। तुम्हें पता तो चले कि मुझ जैसे के साथ मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। मुझे तुम्हें मारने में उतना ही मजा आएगा जितना तुम्हारे बेटे को मारने में आया था। तुम्हें जिंदगी भर गोहन से उलझने का पछतावा रहेगा। जानते हो कैकरोट, हम यहाँ दो दो हाथ कर रहे हैं और वहाँ शक्ति का महान पेड़ तुम्हारे प्यारे प्लैनेट की ताकत और एनर्जी तबाह कर रहा है, और वो तब तक तुम्हारे प्लैनेट से पानी और बाकी जरूरी चीजें सोखता रहेगा जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाती। तुम्हारी धरती ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं होगा। तुम्हारे जंगल रेगिस्तान बन जाएंगे। Your oceans will become useless caverns. तुम्हारे शहर कब्रिस्तान लगने लगेंगे और
सबसे मजे की बात ये कि ये सारी एनर्जी, ये सारी तबाही सिर्फ एक ही मकसद के लिए है, और वो मकसद है मेरे लिए रसदार फल उगाना। उस फल को खाने के बाद मेरी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सपने देखते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें धरती को तबाह करने नहीं दूंगा। नामुमकिन, उसकी शक्ति का लेवल बढ़ता जा रहा है। मैंने जितना आसान समझा था उतना है नहीं। कि मैं पहले ज्यादा शक्तिशाली था, जरा मुझे ये फल तो खाने दो। खाने से मैं पूरी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया हूँ। हर तरह के लोग मेरे आगे सर झुकाएंगे। मैं हूँ महान टर्लस। मेरे इरादों को अब कोई नहीं रोक सकता। ये सृष्टि अब मेरी होगी। कोशिश भी मत करो कैकरोट, तुम जानते हो मुझसे मुकाबला करना नामुमकिन है। चलो केयोकेन, दस गुना। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं, तो तुम्हें गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगनी होगी। मेरा नाम है गोकू। क्या कहा तुमने? जैसी तुम्हारी मर्जी कैकरोट, मुझे अफसोस है। मैं बड़ी चीजों पर ध्यान देता हूँ। पूरी सृष्टि मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उस पर राज करूं। गोकू, तुम्हें लड़ना होगा। गोकू उठ जाओ। प्लीज गोकू, हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पिकलो, यामचा, मैं नहीं कर सकता। हमें याद करो गोकू, तुम्हारे साथी हैं हम, हमें याद करो। हम तुम्हारे साथ हैं गोकू। हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकता। डैड, आप कर सकते हैं। आपने मुझे बचाया, आप हम सबको बचा सकते हैं। गोहन, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे लड़ना ही होगा। तुम्हारा जी नहीं भरा? तो ठीक है, आगे बढ़ो। ये ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, इसे हराना मुश्किल है। मुझे गोहन और बाकी दोस्तों को बचाना ही होगा। मुझे पावर अप होना पड़ेगा। प्लैनेट से अपनी शक्ति लेनी होगी। मुझे हर हाल में कोशिश करनी होगी। मैं हार नहीं मान सकता। मुझे शक्ति दो। कैकरोट, आ, 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 आ,
मुझे शक्ति दो, जंगल से और झरने के बहते पानी से, दुनिया के उन लोगों के लिए जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जंगल के जानवरों के लिए और जिंदगी के लिए, मुझे उन सब के लिए शक्ति दो। थैंक यू। ये क्या? स्पिरिट बॉम्ब? ये नहीं हो सकता। ये लोटोरस, धरती की तरफ से तूफान। कुदरत के पास ज्यादा शक्ति नहीं बची थी, क्योंकि शक्ति के उस शैतान पेड़ ने उसकी ज्यादा से ज्यादा शक्ति खत्म कर दी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास अब भी फल का एक टुकड़ा बचा है, वो इमरजेंसी में काम आएगा। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। I'm sorry, मैंने अपने बेटे को निराश किया, दोस्तों को निराश किया, प्लैनेट को निराश किया, मैं नाकाम रहा, अब अंधेरे के अलावा कुछ नहीं बचा है। कोकू, वो फल याद करो, उसमें बहुत शक्ति है। हाँ, किंकाय। मुझे नहीं लगता मुझ में खड़े होने की ताकत है। ये क्या है? गर्मी हो रही है, मानो ये गर्माहट सूरज के किरणों की है। ऐसा लग रहा है कि धरती और मैं इस रोशनी से ताकत हासिल कर रहे हैं। मुझे हाथ बढ़ाना होगा, मुझे इसे हासिल करना होगा। हाँ गोकू, इसे शक्ति के पेड़ के फल से शक्ति मिल रही है, अब ये फिर से शक्तिशाली हो जाएगा। लग रहा है फल अपनी शक्ति धरती को वापस दे रहे हैं। मुझे फल की शक्ति पर अपना ध्यान रखना होगा। टर्लस, नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन हो गया? मुझ में कुदरत की शक्ति है टर्लस, इंसान को असली शक्ति दुनिया से मिलती है। मैं तुम्हारे लालच की भूख को पूरा नहीं होने दूंगा। ये बात तुम्हारे दिमाग में कब आएगी कैकरोच? तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, शक्ति का पेड़ पहले ही सब कुछ ले चुका है। शक्ति खत्म हो गई, वो अब फल में है, वही फल जिसने मुझे वो शक्ति दी। तुम और तुम्हारे कायर दोस्त हराए जा चुके हैं कैकरोट, अब ये धरती सिर्फ बंजर जमीन है। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम यहाँ इसीलिए आए क्योंकि तुम जानते थे कि यहाँ हर चीज में शक्ति है जिसे तुम चुरा सकते हो, लेकिन तुम एक बात भूल गए। ओह अच्छा, वो क्या? इसमें देने की शक्ति भी है।
पेड़ नष्ट हो चुका है, अब धरती सुरक्षित है। गोकू ने शक्ति के पेड़ से शक्ति लेकर महान टर्लेस और उस पेड़ का नामो निशान मिटा दिया है। जो भी शक्ति सोखी गई थी उसे असली सोर्स को लौटा दिया गया, जानवरों, पेड़ों और सुनहरे सूरज को। गोकू में ऐसी खतरनाक शक्ति का सामना करने की हिम्मत थी और ऐसा करते समय उसने उस पेड़ से शक्ति को आजाद किया और इस तरह धरती की शक्ति जो छीन ली गई थी वो धरती को वापस मिल गई। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सृष्टि में बहुत सारी शक्तियां मंडराती रहती हैं, अच्छी और बुरी। हमें हमेशा अच्छाई की रक्षा करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए और लगातार यही कोशिश करनी चाहिए। आजादी का दूसरा नाम जिम्मेदारी है। हमें जिस पर भरोसा है उसके लिए लड़ने की जिम्मेदारी। गोकू और उसके साथियों ने साबित कर दिया है कि जब भी बुराई फन फैलाएगी, अच्छाई उसका फन कुचल देगी। हमें खुशी है कि आखिर में तुम्हारी जीत हुई। गोकू, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। बहुत अच्छे। कभी कभी इस तरह हाथ पैर चलाने से तुम्हारी हड्डियों की अच्छी एक्सरसाइज होगी गोकू। आपने तो सिखाया है कि हमेशा दिमाग से लड़ना चाहिए। मैंने सुना है तुमने वहाँ अच्छी कोशिश की थी। करस, गोहान ने कहा कि तुमने हिम्मत दिखाकर उन मॉन्स्टर्स का सामना किया है ना? ये भी पिकलो जैसा ही है। ये मुझे पसंद नहीं करता, ये तो बस गोहान से प्यार करता है, लेकिन समझ में नहीं आता ऐसा क्यों।